हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा आप लोगों को दो रंगों का ये देखिए वूलन सॉक्स लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप फ्रेंड्स किसी भी पैटर्न पर मेंशन कर सकते हैं, वूलन ब्लाउज किसी भी। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, देखिए दो रंगों की। ये देखिए, आप इसे वूलन कार्डिगन पर भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन की हम सॉक्स बनाना सीखते हैं। ये मैं फ्री साइज़ का सॉक्स बना रही हूँ, जिसके लिए देखिए मैंने दूसरी सिलाई पे ले लिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको 10 नंबर की मैंने देखी यहाँ पे नीडल यूज़ की है, और यहाँ पे मैंने 50 फंदे लिए क्योंकि मैं ये फ्री साइज़ का बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सेम वही प्रोसेस होगा जो अभी तक मैंने बनाया है। अब चलिए इसको हम डिज़ाइन आप लोगों को बनाना बताएंगे कि ये डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत, ये एक अलग सी डिज़ाइन बनकर आई है। तो चलिए इस डिज़ाइन को हम बनाते हैं। आप इसको मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। तो एक हम वाइट से बुनेंगे, एक उतारेंगे, एक बुनेंगे वाइट से, एक उतारेंगे, ऐसी ही हमारी डिज़ाइन चलती है। ये देखिए, हम वाइट कलर से डिज़ाइन बनाना शुरू किए हैं। तो जैसे ही आप पहला सिलाई बुनेंगे बॉर्डर के बाद, तो डिज़ाइन ऐसे ही हमारी बनेगी। इसको ही आप वूलन ब्लाउज पे भी बना सकते हैं, ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा, छोटी छोटी बूटीज टाइप की। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे दो हमारा रेड हो गया है। फिर हम एक रेड उतार लेंगे, एक वाइट बुन लेंगे। सेंटर में देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे वाइट कलर से डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए ये एक फंदे का यहाँ पे 7 फंदा हो रहा है, वो तो 3 फंदे इधर होंगे, 3 इधर और 1 यहाँ पे सेंटर में हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो एक फंदे में हम 7 बार बुनेंगे। एक फंदा बुना, 2, ऊन को पीछे करेंगे 3, फिर ऊन को आगे किया 4, फिर ऊन को पीछे किया 5, फिर 6, फिर 7। अब देखिए एक फंदा हम उतारेंगे रेड वाला, एक बुनेंगे। ये डिज़ाइन देखिए ऐसे ही बनेगा फ्रेंड सॉक्स का, जैसे कि अगर हम 50 या 51 फंदे ले रहे हैं तो 25-25 फंदे एक साइड रहेंगे, बीच में जो एक एक्स्ट्रा फंदा है वहीं पे एक फंदे का 7 फंदा होगा। ये मैं आप लोग को डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ऐसे ही हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन का पहला रो है, पहला सिलाई है डिज़ाइन जब हमारी ये बनेगी। अब देखिए पीछे की साइड से कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। जो फंदा हम बिने हैं उनको बुनना है, देखिए। फिर ऊन को अपनी साइड लाएंगे, रेड वाला हम उतार लेंगे, फिर ऊन को पीछे की साइड ले गए, इसको बुनेंगे ऊन को अपनी, यानी जो फंदे हम बीने हैं उनको बीनना है और जो उतारे हैं उनको उतार लेना है। देखिए 1, देखिए ऐसे, फिर उनको पीछे की साइड ले जाना है, बुनना है। पीछे की साइड से हमारे फंदे सीधे बुने जा रहे हैं, वाइट वाले और रेड वाले हम उतार रहे हैं। चलिए ऐसे हम बुनकर कंप्लीट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 7 फंदे भी हम सीधा सीधा बुनेंगे उल्टे की साइड से,
देखिए एक फंदे में बुन लिए, दो तीन चार पाँच छ सात, फिर उनको अपनी साइड लाएंगे, इसको उतार लेंगे। फिर ये देखिए ऐसे ही हमारी पूरी रो अब कंप्लीट होगी, एक बुनेंगे एक उतारेंगे, सीधा सीधा हम बुन रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम पीछे की साइड से बुनकर कंप्लीट कर लिए, आगे की साइड हमने क्या करना है, वाइट वाले से हम डिजाइन बनाए हैं तो वाइट कलर से ही हमने ये सफ़ेद वाले से ही पूरी रो सीधे की साइड सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। सीधे की साइड भी सीधा सीधा बुनना है और उल्टे की साइड भी सीधा सीधा बुनना है। देखिए तो चलिए हम ये पूरी रो सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम पीछे की साइड आ गए हैं तो पीछे की साइड से भी हम इस सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत डिज़ाइन हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड से हमने देखिए ये उल्टा सीधा सीधा बुना है तो ये देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। तो आप लोग भी ऐसे डिज़ाइन बनाए, ब्लाउज पे भी आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।